ग्वालियर से उड़ान भरने के बाद एयरफोर्स के दो फाइटर प्लेन सुखोई 30 और मिराज 2000 एयरक्राफ्ट आपस में टकराकर क्रैश हो गए हैं। मिराज में एक और सुखोई में दो पायलट सवार थे, इसमें से एक पायलट की मौत हो गई है। एयरफोर्स ने बताया कि दोनों प्लेन ने रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरी थी। शनिवार सुबह 10:30 बजे के करीब आसमान में बड़ा हादसा हुआ। एयरफोर्स के दो फाइटर प्लेन सुखोई 30 और मिराज 2000 एयरक्राफ्ट आपस में टकराकर क्रैश हो गए। बताया जा रहा है टकराने के बाद दोनों विमान अलग अलग जगहों पर गिरे। एक प्लेन मध्य प्रदेश के मुरैना के पहाड़गढ़ में और दूसरे के राजस्थान के भरतपुर के पिंगोरा में गिरने की जानकारी मिली है। एयरफोर्स ने बताया कि दोनों फाइटर जेट ने रूटीन ट्रेनिंग के लिए ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी। मुरैना एसपी आशुतोष बागरी ने जानकारी दी है कि ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन से वायुसेना के दो विमानों ने टेक ऑफ करने के बाद क्रैश हो गए हैं। इनमें से एक पहाड़गढ़ में क्रैश हुआ है। मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना का दावा है कि दो पायलट को बचा लिया गया है। राजस्थान में भरतपुर के डीएसपी अजय शर्मा ने बताया कि हमें सुबह 10 बजे से 10:15 बजे के करीब प्लेन क्रैश होने की सूचना मिली थी। मौके पर आने पर पता चला कि यहां एयरफोर्स का फाइटर जेट है। हालांकि मलबे को देखकर अभी यह पता नहीं चल पाया है कि यह कौन सा फाइटर प्लेन है। मुरैना में गिरे सुखोई में सवार दोनों पायलट घायल हैं, उन्हें ग्वालियर में भर्ती कराया गया है। मुरैना के पहाड़गढ़ में हादसे की जगह से एक पायलट का हाथ भी मिला है। आशंका है कि यह हाथ भरतपुर में गिरे मिराज एयरक्राफ्ट के पायलट का हो सकता है। मुरैना एसपी आशुतोष बागरी ने बताया कि ह्यूमन बॉडी का यह पार्ट किसका है, इस बारे में अभी कुछ नहीं पता चल सका है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भरतपुर में फाइटर प्लेन क्रैश होने के बाद इसके पुर्जे करीब 1 बीघा एरिया में बिखर गए हैं, जहां प्लेन का एक बड़ा हिस्सा गिरा है। वहां करीब 7 फीट गहरा गड्ढा हो गया है। इसे खोदकर पार्ट्स बाहर निकाले जा रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक प्लेन में आसमान में ही आग लग गई थी और देखते ही देखते जलता हुआ फाइटर जेट गिर गया। पहाड़गढ़ क्षेत्र में पहले भी दो मिराज फाइटर प्लेन क्रैश हो चुके हैं। दुर्घटना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया है। बताया जा रहा है कि दो फाइटरों के भिड़ंत होने के बाद क्रैश होने की घटना करीब 18 साल पहले भी हुई थी। यह दूसरी घटना है। विमान जहां पर गिरे हैं वहां पर भी अधिक पेड़ नहीं थे, केवल छोटी मोटी झाड़ियां ही थी, इसीलिए जंगल में भी आग नहीं लगी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।